हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वीडियो क्रिएटर चंदन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका बिजली कनेक्शन टेम्पोररी डिस्कनेक्ट होता है तो उस बीच में आपको क्या बिजली बिल भरना पड़ता है। आप जितना दिन यूज नहीं करते हैं, चाहे 2 महीना 4 महीना, तो आपको बिजली बिल लगता है या नहीं। और इसके अलावा आप बताएंगे कि क्यों डिस्कनेक्ट किया जाता है, और आप डिस्कनेक्ट हो गया है आपको क्या करना चाहिए जो आपका बिजली कनेक्शन फिर से लग जाएगा। तो वही चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को पूरा डिटेल में, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा हो रहा है तो कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कोई इतना छोड़ दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट क्यों किया जाता है टेम्पोररी। तो दोस्तों, इसका कारण होता है बिजली बिल टाइम पे आप नहीं भरते हैं, इसी कारण से ये डिस्कनेक्ट किया जाता है। अगर आप टाइम से बिजली बिल भरेंगे, जो भी बिल आता है या जो भी बाकी रहता है, अगर पूरा बिजली बिल आप टाइम पे भरा करते हैं तो आपका बिजली कनेक्शन कभी नहीं डिस्कनेक्ट किया जाएगा, टेम्पोररी या परमानेंट, इसका कारण यही होता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बिजली कनेक्शन टेम्पोररी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है तो आपको क्या करना है जो आपका कनेक्शन फिर से लग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो भी आपके आपके ऊपर बिजली बिल है बकाया जो बचा हुआ है, वो आपको पहले पेमेंट करना होता है, ऑफिस जाके या ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एरिया का कर्मचारी है उससे बात करके आपको अपना रिकनेक्शन चार्ज जो लगेगा, डिस्कनेक्शन चार्ज जो लगता है, वो दोनों आपको देना पड़ेगा, लगभग 600 रुपये लगता है। तो वो आपको पेड करने के बाद आपको कनेक्शन फिर से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको अगर उस बीच लगभग 6 महीने तक आप कनेक्शन यूज नहीं करते हैं, बिजली यूज नहीं करते हैं, 6 महीने 2 साल 3 साल नहीं यूज करते हैं, तो उस बीच क्या आपको बिल भरना पड़ता है या नहीं। तो दोस्तों, उस बीच बिल आपको नहीं भरना पड़ता है। अगर आप यूज ही नहीं करते कोई बिजली, तो आपको बिल क्यों भरना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर आपको फिक्स चार्ज जो है वो आपको लगेगा, महीने महीने जितना भी महीने है उसका फिक्स चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा जो भी उस पर लगता है चार्ज भी लग के आता है बिजली बिल में, वो चार्ज भी आपको लगेगा। अगर आप टाइम पे नहीं पेड करते वो चीज़, तो उसका भी ब्याज चलता है और आपको उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो दोस्तों, यही कुछ है जो प्रॉब्लम आप सभी को डाउट था। और एक आदमी मुझे कमेंट भी किया था कि अगर टेम्पोररी डिस्कनेक्ट मेरा कनेक्शन हुआ है तो उस बीच में क्या हमारा बिजली बिल जनरेट होगा। तो दोस्त, आपको भी बता दूं मैं कि आपका बिजली बिल जनरेट नहीं होगा, लेकिन आपका फिक्स चार्ज जो भी है कनेक्शन का वो आपको लगेगा, और इसके अलावा जो भी अन्य चार्ज लगता है वो भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप बिजली यूज नहीं किया है तो ऊर्जा चार्ज आपको मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर आपका बिजली कनेक्शन टेम्पोररी डिस्कनेक्ट होता है तो आप होता है और आपको क्यों डिस्कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जो आपका कनेक्शन फिर से लग जाएगा, और डिस्कनेक्ट होने के बाद आपका बिजली बिल आता है या नहीं, आपको लगता है या नहीं। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा यार। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।